नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज मैं जर्नी करने वाला हूँ देहरादून से दिल्ली तक, वो भी मोवेज स्काईवेल की बस में, जो कि है न्यूगो की। तो ये इलेक्ट्रिक बस है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वन स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मतलब ऑटोमेटिक बस है। इसमें वन स्पीड गियर बॉक्स होता है, कैमराज वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं, टैग्स वगैरह है, ड्राइव न्यूट्रल एंड रिवर्स, ऐसे तीन बटन्स होते हैं यहाँ पे। अदर फंक्शंस के बटन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। घड़ी यहाँ पे लगाई गई है, 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको मिल जाता है। बीच में दो USB चार्जिंग पोर्ट है, 3-pin नहीं मिलता। कभी कभी एक पोर्ट वर्क कर रहा होता है, कोई कर नहीं रहा होता है, ऐसा भी होता है। केबिन तो काफ़ी स्पेशियस है इसका, LED स्क्रीन वगैरह लगाया गया है, पर वो चलता नहीं और चलाते भी नहीं। ये एक्चुअली चलता होगा पर कोई ये लोग चलाते नहीं। सीट नंबर्स यहाँ पे मेंशनड है। और ये जो सीट्स की प्राइसिंग है वो बदलती रहती है, मतलब लास्ट वाली आप देखेंगे तो आपको 400 में मिल जाएगी, कोई सीट होगी 550, कोई होगी 600, तो डायनेमिक प्राइसिंग रहता है। हर एक विंडो जो है वो इमरजेंसी एग्जिट है। AC वेंट्स आपको आ जाता है, रीडिंग लैंप आ जाता है, इमरजेंसी स्टॉप बटन हर AC वेंट के पास आपको मिल जाएगा। ऊपर स्टोरेज कंपार्टमेंट है, तो वैसे सही है ये बस, वोल्वो जैसा ही इसका फील वगैरह होता है। डोर्स वगैरह इसके यहाँ से ओपन और क्लोज होते हैं, और प्रॉपर डेड पैडल लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक है। तो चलिए अभी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। We'll be right back.
तो अभी 9:15 बज चुके हैं 8:45 और हम रामपुर के पास है मुजफ्फरनगर बाईपास, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट का हॉल्ट लिया है। मतलब पूरा बाईपास जो जाता है मुजफ्फर होके उसके स्टार्ट पॉइंट पे है हम रुड़की साइड से। तो आधा घंटा यहाँ पर स्टॉप रहेगा शायद। होटल तो काफ़ी डिसेंट लग रहा है और साथ ही महंगा भी। तो मैंने लिया है एक पनीर पराठा, बहुत ही अच्छा स्टफ्ड पराठा है, अच्छा है। रेस्टोरेंट भी काफ़ी डिसेंट है, नीट एंड क्लीन है। तो आप नॉर्थ इंडिया आए ना तो पराठा खाने पे ज़रूर जोर दीजिए। ये पनीर पराठा मुझे पड़ा 140 का, पर बहुत ही टेस्टी होता है।
तो दोस्तों अभी 11:30 बज चुके हैं और हमारी बस आनंद विहार बस टर्मिनल पे पहुंच चुकी है और यहीं पर मैं उतरने वाला हूँ। और अभी ये बस जाएगी आगे कश्मीरी गेट ISBT पे। तो काफ़ी बढ़िया रहा सफ़र, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आनंद विहार बस टर्मिनल है अंदर। तो काफ़ी अच्छा रहा सफ़र मेरा, 5.5 घंटे में हम दिल्ली आ गए देहरादून से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।